हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में फ्रेंड्स हम कंप्लीट करेंगे सेक्शन सी हमारा जो है ग्रामर एंड यूसेज के बारे में। ठीक है, सेक्शन सी ग्रामर एंड यूसेज, फोर सेक्शन है हमारे, ए बी सी डी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है सेक्शन ए में, सेक्शन बी में हमारा राइटिंग एबिलिटी है, सेक्शन सी जो है हमारा ग्रामर एंड यूसेज जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, और हमारा सेक्शन डी है लिटरेचर। तो देख लेते हैं क्या है, इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें NVS KVS DSSB TGT PGT इंग्लिश के स्टूडेंट्स जो हैं, इंग्लिश लिटरेचर जिनका सब्जेक्ट है, उसके पर्पस से आज हम ये बात कर रहे हैं इस वीडियो में ग्रामर एंड यूसेज सेक्शन की। तो ये देखिए आपका सेक्शन सी है, ये सेक्शन सी ग्रामर एंड यूसेज, और किस तरह से वो क्या कह रहे हैं, एबिलिटी होनी चाहिए टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ सिंटैक्स लैंग्वेज ग्रामेटिकल आइटम्स, इन सब को अप्लाई करने की आपकी नॉलेज एबिलिटी होना चाहिए, एंड यूज़ देम, यूज़ करें एक्यूरेटली इन कंटेक्स्ट। तो कौन कौन से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हैं, टेंस, मॉडल, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब कंट्रोल, कनेक्टर्स, क्लॉज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन, सीक्वेंस टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस और अ पैराग्राफ। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इससे पहले जाहिर सी बात है आपने सीटेट दिया होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जैसे कि है तो दिए होंगे, और बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया होगा, तो जनरल इंग्लिश जो आती है हमारे टेंस, जो भी ग्रामर आती है, हमने सभी जो है इनसे निकल के आ चुके हैं, हम सेंस वगैरह हमने सारे उस तरह से हम पढ़ के निकल चुके हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे टेंस जो है तीनों टेंस और उसके अंदर के चार चार जो उसके टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ने बैठें। ठीक है, आप उनके नियम जो है टाइम टू टाइम उसको आप रिवाइज करते रहिए, लेकिन फिर भी हम इसके अपने इस सेक्शन सी ग्रामर यूसेज के तहत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कैसे तैयारी करें वो हम देख लेते हैं, कुछ की पॉइंट्स। तो देख लेते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर सेक्शन सी ग्रामर एंड यूसेज, प्रैक्टिस सेट फ्रॉम मंथली मैगजीन। देखिए मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही की पॉइंट बताने वाली हूँ और उसी से रिलेटेड बातें बताने वाली हूँ कि प्रैक्टिस सेट, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही हैं जो अब आपको यहाँ से आपके नैया पार लगाने वाले हैं तो इस सेक्शन में। ठीक है, ये सेक्शन ऐसा है यहाँ पर आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लें, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तो आपका यहाँ से थोड़ा सा कमी आपकी रह जाएगी। हाँ, अब प्रैक्टिस सेट है तो अब आप सोचें कि भाई हम टीजीटी पीजीटी की बुक्स ले लेते हैं और उसमें जो सेट है वो लगा लेंगे। ठीक है, आप वो भी लगाइए, लेकिन आपने जो शुरू से पढ़ाई करना शुरू करी है ना, जब से बीएड एंट्रेंस दिया, सीटेट करा, फिर ये वो सब, सारी बुक्स ले लीजिए आप फ्रेंड्स लाइन से, और उसके उसमें जहाँ भी आपका ग्रामर के इंग्लिश के सेट हैं, कहीं 15 पूछते हैं, कहीं 20 पूछते हैं, किसी एग्ज़ाम में अगर सॉल्व पेपर है कोई सा तो उसमें कहीं आपको 15 ही क्वेश्चन मिले, 20 मिले, 30 मिले, सारे लगा लीजिए। एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड 10,000 MCQs का, क्या होता है ये, ऐसा कहा जाता है कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ है, इंग्लिश है, आपने 10,000 MCQs उसके लगा लिए वन लाइनर, वो आपका परफेक्ट हो जाओगे आप उसमें। तो आप 10,000 बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत करें तो पहुंच सकते हैं वहां तक भी। हाँ, तो फिर हमें सेट कैसे लगाना है, अब जैसे मंथली मैगजीन हम लोग लेते हैं पढ़ने के लिए, हमारा करंट अफेयर भी आना ही है, उसमें प्रैक्टिस सेट होते हैं पीछे बैक साइड, तो टीचिंग का एग्ज़ाम होगा, सॉल्व पेपर होते हैं ना, सॉल्व पेपर प्रैक्टिस सेट होते हैं, सॉल्व पेपर जो हो चुके पेपर, SSC बैंकिंग सारे होते हैं। तो ये नहीं सोचें भाई SSC का है तो ये हमारे काम का नहीं है, हम तो टीचिंग का ही लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सारे ही टच कर सकते हैं। SSC बैंकिंग, इसमें आप जाएंगे इन क्वेश्चन पेपर में, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, बस आप अपना जो हमको जो है अर्जुन है चिड़िया की आँख देखता है ना, अर्जुन को तो चिड़िया की आँख दिखाई देती है, वहीं तीर मारना है, वही हमें सिर्फ अपना ग्रामर सेक्शन जाना है, उन्होंने कहाँ इंग्लिश की ग्रामर पूछ रखी है, वहाँ 15 नंबर की पूछी है, 20 नंबर की पूछी है, वो सारे सेट हमें लगा लेने हैं, सेट सॉल्व करना है सीरियसली बिल्कुल। ठीक है, आंसर नहीं देखना पीछे से, ये आप बच्चे तो हम हैं नहीं कि वो हमें हंटर लेके पढ़ाएगा, तो हमें खुद से अपने सीरियस होना है। अब यहाँ मैंने लिख रखा है ये आगमनात्मक विधि, मैं प्रैक्टिस सेट की बात इसीलिए कर रही हूँ कि अब हमें इंडक्टिव मेथड से पढ़ना है यहाँ। ठीक है, निगमनात्मक विधि होती है डिडक्टिव मेथड कि हम पहले नियम पढ़ेंगे, पूरे सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, नहीं यहाँ हम इंडक्टिव मेथड की बात कर रहे हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसको एनालिसिस करके ज़रूरत होगी तो आगे हम उसकी थ्योरी भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ये होते हमारी इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव यानी आगमनात्मक विधि, और इसमें उदाहरण पहले होते हैं। ठीक है, वही मैं कहना चाह रही हूँ, MCQs हम पहले पढ़ें कोई सा भी है और फिर उसको एनालिसिस करें, ज़रूरत है तो उससे रिलेटेड आप थ्योरी आगे पढ़ लें। कोई भी आपने टेंस मिला आपको तो आपने आंसर लगाया, आपका गलत हुआ, सही आंसर जो भी हुआ तो आप देखो कि वो क्या था,
उसका एनालिसिस ज़रूर करें। कोई भी आपके सेट हैं, सेट को सॉल्व करके आंसर अपने देख लें कितने सही हैं, और जो गलत हैं उनको एनालिसिस ज़रूर करें। ये एनालिसिस करने से अगर आपके पहले यदि आपके देखिए 10 में से केवल 6 सही है ना, तो एनालिसिस करने के बाद आपके 8 सही निकलेंगे, और ऐसे करते करते आप 10 out of 10 पे भी आ जाओगे, 100% तैयारी आपकी हो जाएगी। तो वही मैं बता रही हूँ, सेट अब कहाँ से लगाना है, तो आपके पास जितनी बुक्स हैं सबका ग्रामर का सेक्शन देखिए और सेट लगा लीजिए। थ्योरी कहीं से पढ़े नहीं आप, यहीं से आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। मंथली मैगजीन है या आपके पास कोई बुक है टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन की, उसमें सेट ज़रूर होंगे, या कोई भी एनी जनरल इंग्लिश की बुक, जो हमारे जनरल पेपर की तैयारी हम करेंगे उसमें भी तो हिंदी इंग्लिश आनी है ना, तो वो जो सेक्शन होगा वो पूरा बस इसकी तैयारी करें ग्रामर एंड यूसेज सेक्शन की, की पॉइंट्स प्रिपरेशन के लिए। सो जितने ज़्यादा सेट आप लगा पाएँ, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज से आप गुजर पाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। सेक्शन सी की तैयारी कैसे करना है, सेक्शन डी में लिटरेचर हम तैयार कर ही रहे हैं, राइटिंग एबिलिटी में भी मैंने वीडियोज़ बना दी हैं, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग के आगे भी कंटिन्यू है, तो बस ऐसे ही आपको तैयारी करना है। एक छोटा सा वीडियो मैं सेक्शन ए के लिए भी ऐसी बनाऊंगी कि क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत मायने रखता है, तो कैसे उसको हम टैकल करें अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।